सारी देश विदेशों बैठे ने उन्होंने मेरे वालों बलजीत माली वालों मेरी सारी टीम वालों बहुत बहुत सारी मुबारक। मेरे सिस्टर भी आए ने मनप्रीत जी वो भी साढ़े सारे जी फैमिली में पहुंची हुई है। सो करणदीप थ्रोड नाच कौर गुरप्रीत सिंह सारी जी अपना रविंद्र कौर जी साढ़े बलविंदर मेरा वीरा साढ़े सारे तो टीम पहुंची हुई है। साढ़े एक दो मैंबर अज आए नहीं है अगली लोहड़ी आ जाएंगे कोई गल नहीं है ना। सो इनकी हाजिरी प्रवान करना हूँ बच्चों गर्मा गर्म पकौड़े रेवड़िया मूंगफली चाह के नाल ही जी आप जी जोड़ी जैसा आप कट्ठे करते हैं आप कट्ठे करते हैं। सो थोड़ी मैं कहते शुक्रगुजार हाँ कि तुम बहुत समय से साड़ी जी देखो कलाकार मीडिया बिना जीरो है सानू आश्रय तुम लेके जाते हो आश्रय जो तुम पहुँचाते सू फर्स्ट उतो। सो थोड़ा कहते हैं शुक्रगुजार हाँ थोड़ा गेन मैं लाइफ दे नहीं सकती। सो थैंक यू सैल्यूट है थोड़ा सत श्रीकाल जी। मैं थोड़ी अपनी बलजीत कौर मोहाली हर साल की तरह बाबा खजूर शाह यूसुफ शाह दरबार के उत्ते बच्चे नंगी मनी बच्चे लोहड़ी पाई जा रही है और ये जो लोहड़ी असी 15-20 साल तो जी लगातार पाते आए हैं और लोग लड़की ने शादियाँ और जो काफ़ी मतलब कि साड़ा यह चलता रहता है फील्ड के अंदर। सो अज असी इस दरबार के उत्ते नंगी मनी बच्चों को टॉयज एंड गर्म कपड़े वगैरह और जी खाण पीन जी चीज़ा देनिया ने और मैं पंजाबी फोक गायकी बहुत प्यार करती पहले मैं मोहाली के मीडिया ने बहुत प्यार करती हाँ क्योंकि मैं थैंक्स कह दो धन्यवाद दो थोड़े कल कल तुम चैनल तो आए हो और कल भी चैनल वाले मेरी काफ़ी इंटरव्यूज लेके गए हैं और अज भी पहले थानू सैल्यूट है और तुम जी समय समय से जी सा दिल की आवाज़ है तुम लोगों तक पहुँचाते हो ना। सो साडे नाल आरदीप रमन जी ने जिहड़े पहला दूरदर्शन देखिया सी एज ए इंटरनेशनल एंकर ते अज इंशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर ने है ना। सो तुसी भी कुछ बोलो बलजीत कौर मोहाली जी गल करिए जी जी लोहड़ी है जी जी अजकल समाज च बेसक आप गल करते हैं पर एक दिन का त्यौहार मनाया जाता उस तो बाद किते ना किते समाज च इन्हां नूं दर्जा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। गल सुनो मेरी मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो मेरा एदा मकसद यही है जेडे असी कहंदे कि तुसी एक औरत दा सत्कार करो असी पहले भी कहने एक जड़ी बच्चिया ने यह आने वाले समय का भविख ने जड़िया बच्चिया ने साड़िया नन्नी मुनिया लोहड़ी इन्हें सिखाई है ये आने वाले समय का भविख ने इन्हों जो किसी लीडर बनना है किसी डॉक्टर बनना है किसी ने ना जज बनना वकील बनना मंत्री बनना है ना और जी लड़की का जो सत्कार करना बहुत जरूरी है। ठीक है लड़कियों का भी असं सत्कार करते हैं लेकिन लड़कियों जो पहल असं कह दें हाँ अक्सर घर के पिंड लड़ाइया की होंगे ने कई हों की साह हो मुंडे का वो घर पहला मुंडा ही होना चाहिए आ कुड़ी नहीं होनी चाहिए है कि होंगी है 40-45% डाइवोर्स सीधी पिंड हो जाते हैं क्यों असं तो सा मुंडा चाहिए सी कुड़ी कितों आ गई। ठीक है ना असं ये मैसेज दें कि पहली गल तो देखो अजकल इन संस्थाव बन चुक ने पंजाब के अंदर कि वर्ल्ड अंदर ही बन चुकिया ने कि जेडे बच्चों की परवरिश जन्म तो लैके पढ़ाई तक जब तक जॉब नहीं करते हैं साड़ी परवरिश है वो संस्थाव भी कर रही है। सो मेरी तो एक बेनती है कि धियां की लोहड़ी मनाओ शगन मनाओ औरत का सत्कार करो और जी यंग जनरेशन सा नशा तो रहत रहे और घर के जो माहौल अपने आप खुशहाल रहेंगे। सिंगर साढ़े देखो जी आरदीप ब्रह्म जी साढ़े नाल हमेशा ही रहते हैं क्योंकि ये बहुत लोक सेवा से जो काम करते हैं है ना। तो साढ़े इतने गुरमीत कुलार जी आए हैं जस पप्पू जी आए हैं लवनी बब्बू जी आए हैं काफ़ी ऐसा हिस्सा है। आज नाच कौर ने तो हाजिरी नहीं लगवाई है क्योंकि काफ़ी सारे मतलब कि मेरी बेटी नाच कर काफ़ी प्रोजेक्ट भी आए हैं लेकिन वो कंपनी पर बहुत फोन करके वैसे दरबार से आई है हाजिरी दरबार से लग रही है। सो थोड़ी देर की बाद लोहड़ी रस्म कर देनी है लोहड़ी का गीत बलजीत कौर मोहाली जी जिन्होंने हर साल तियां की लोहड़ी मनाते हैं अपने
दरबार से। सो गल ये है भी जिवें पहला तुसीं पुछिआ भी एक दिन कुड़ियां दा क्यों, कुड़ियां दा हर दिन है, संसार कुड़ियां दे नाल है। मैं तां इह कहिंदी आ जिहड़ी अपने अंदरों एक इंसान नूं पैदा करदी है, जग जननी जिहनूं कहा गया, ते उहदे बिना संसार दी होंद तुसीं महसूस करके देखो वी इदां दी होई करो, होर दूरा नहीं नहीं हो सकदा। सो इह अपनी अपनी सोच है, पर हुण बहुत लोकी सियाणे हो चुके ने, सो तीआं दा हर दिन तीआं दा हुंदा। सो मैं ब्लैसिंग दिंदी आ सारीआं मेरीआं बच्चीआं जिहड़ीआं इस दुनिया ते ने, जिहनां ने आउणा वी है, कि आओ आके पंजाब दी दुनिया दी नुहार नूं बदलो। सो लोहड़ी दीआं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां जी। मैं कोई एक गीत सुना दूं बच्चिआं वास्ते आप। अच्छा हाँ, आज दे मौके ते, आज दे मौके ते मेरा लोहड़ी वाला कह देने। हाँ लोहड़ी वाला कह देने। बिल्कुल 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 बच्चिया वाला मेरा। हाँ मेरा एक गीत सीगा कि मैं अक्सर गाउनी हुंदी आ, मापिया की धी वे मैं पुत्ता वर गई, पूरिया मैं सभी पढ़ाइया कर गई। मापिया की धी वे मैं पुत्ता वर गई, पूरिया मैं सभी पढ़ाइया कर गई। वो तकिया ना कदे किसी कपड़ों नू वे मैं अख भर के, वो जग दे जीवन दी मापिया दे करके, मापिया दे करके जाऊंगी जरूर सिर उच्चा करके, उच्चा करके जग दे जीवन दी मापिया दे करके, मापिया दे करके। आज मेरा गला खराब है थोड़ा, पर मैं इत्थे आई आ, पर मैं गल ये भी ध्यान गल इस तरह आ, क्योंकि मैं दसन लगी कि जो स्टार्टिंग पंजाब दे अंदर कीती है, जो स्टार्टिंग कीती है भ्रूण हत्या दे प्रचार दी, धरती च पानी जे मुके समझो खत्म कहानी, क्योंकि धीआं बिना तीआं नहीं, धीआं बिना मेले नहीं, धीआं बिना कोई भी जिहड़ा कार्य धीआं बिना नहीं हुंदा है। और उन्होंने लिखिया सी कि कित्थों पीहां पैणगियां, कित्थों कलकारियां वजणगियां, कित्थों साडा जिहड़ा सभ्याचार है, कित्थों जिहड़े चरखे कित्थे कित्थे जाणगे। ये मर्दां दा काम नहीं है, औरत दा काम है, जिहड़ा सारा काम है ये सारा काम ही औरत दा है। क्योंकि हुण देखो जे तां कोई लस्सी लट्टू तां बंदा नहीं लट सकदा, उह घरां वाले काम भी औरतां करदियां ने। मतलब देखिया जावे जे समाज विच औरत हैगी है ते समझो भई बल्ले बल्ले आ। एक राइटर ने, एक लेखक ने बहुत खूब लिखिया है कि पुत जम्मे तां लड्डू वंडिए, धी जम्मे तां बर्फी, ते सब दे हक बराबर, गल रही ना एक तरफी। हुण धीआं दे जम्मे ते बर्फी वंडी जांदी है। सो मैं लोहड़ी दीआं फिर एक बार मुबारकां दे रही हां। तुसीं कह रहे हो आज आज कतल करौंदे तियां दा सभ्याचार चो विसर जू फिर मिला तियां दा, चेता भुल जू पींग नाल बजदी कलकारी दा, बिच तरिंजना किसे नी कटना फुल फुलकारी दा, बिच तरिंजना किसे नी कटना फुल फुलकारी दा। जिहड़ा कसीदा जिहड़ी फुलकारी है ये भी एक औरत दे हाथ दी कढ़ी होई है। देखो गल इस तरह है, कोई व्यापार ले लो चाहे वह मार्केट ले लो, जदों तक औरत बाजार च नहीं जाती, जिहड़े साडे मार्केट दी जिहड़ी कोई आप कह दिंदे आ कपड़े दुकान ला लो, ज्वेलर शॉप ला लो, कोई कॉस्मेटिक ला लो, हर एक बिजनेस भी घाटा रहिंदा है। जे औरत फील्ड च नहीं जाती है तो सारे व्यापारों का भी नाल घाटा रहिंदा है। देखो जी मानता से मैं 18-19 साल हो गए दरबार से सेवा करते हुए हैं। कहते दिल लगी वालों को लोग दीवाने कहते, अरे लगा कर तो देखिए, जिसके दिल को लगी वो दिल ही जानता, जिस जमाना बड़ा जालिम जे नहीं मानता है, देख कर मजबूरियां खुद उनकी अरे खाक की तरह छाड़ तब जिया नहीं जाता उनके बिना। ठीक है ना, कहते चलो किसी फीमेल नशा है, किसी डोडे नशा है, सानू अगर इश्क होया सानू का नजारा, मैं हर एक धर्म का सत्कार कर रही हूँ, मैं हर एक धर्म का सत्कार कर रही हूँ। और इतने मां ने ड्यूटी लगाई है, क्यों ड्यूटी निभानी चाहिए है, सो बाखूबी निभा रही है कि इतने।